ताजिर तंजीमें भी हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद। मुल्क भर में 29 और 30 अक्टूबर को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। लाहौर की तमाम मार्केटें 2 दिन बंद रहेंगी। अंजुमन ताजरान नई मीट ग्रुप कौमी ताजिर इत्तेहाद बिजनेसमैन फ्रंट प्रोग्रेसिव की मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस। नई मीर बोले शबरजैदी तिफल तसलियां देना बंद करें, मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल नहीं रोकेंगे। जबकि लाहौर कार डीलर फेडरेशन ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। लाहौर की तमाम कार लाइन मार्केट्स मंगल और बुध को बंद रखने का ऐलान। और सूबाई काबीना को वजीर आजम के अवामी फलाही मंसूबे के लिए फंड जारी करने का ख्याल आ ही गया। अवामी फलाही मंसूबों के लिए 1 साल की ताखीर से 1 अरब 27 करोड़ के फंड जारी। फंड न होने से गैर फाल होने वाली सैकड़ों तरक्याती स्कीमें दोबारा फाल की जाए। ताजिर तंजीमें भी हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद। मुल्क भर में 29 और 30 अक्टूबर को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। लाहौर की तमाम मार्केटें 2 दिन बंद रहेंगी। अंजुमन ताजरान नई मीट ग्रुप कौमी ताजिर इत्तेहाद बिजनेसमैन फ्रंट प्रोग्रेसिव की मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस। नई मीर बोले शबरजैदी तिफल तसलियां देना बंद करें, मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल नहीं रोकेंगे। जबकि लाहौर कार डीलर फेडरेशन ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। लाहौर की तमाम कार लाइन मार्केट्स मंगल और बुध को बंद रखने का ऐलान। और सूबाई काबीना को वजीर आजम के अवामी फलाही मंसूबे के लिए फंड जारी करने का ख्याल आ ही गया। अवामी फलाही मंसूबों के लिए 1 साल की ताखीर से 1 अरब 27 करोड़ के फंड जारी। फंड न होने से गैर फाल होने वाली सैकड़ों तरक्याती स्कीमें दोबारा फाल की जाए। ताजिर तंजीमें भी हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद। मुल्क भर में 29 और 30 अक्टूबर को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। लाहौर की तमाम मार्केटें 2 दिन बंद रहेंगी। अंजुमन ताजरान नई मीट ग्रुप कौमी ताजिर इत्तेहाद बिजनेसमैन फ्रंट प्रोग्रेसिव की मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस। नई मीर बोले शबरजैदी तिफल तसलियां देना बंद करें, मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल नहीं रोकेंगे। जबकि लाहौर कार डीलर फेडरेशन ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। लाहौर की तमाम कार लाइन मार्केट्स मंगल और बुध को बंद रखने का ऐलान। और सूबाई काबीना को वजीर आजम के अवामी फलाही मंसूबे के लिए फंड जारी करने का ख्याल आ ही गया। अवामी फलाही मंसूबों के लिए 1 साल की ताखीर से 1 अरब 27 करोड़ के फंड जारी। फंड न होने से गैर फाल होने वाली सैकड़ों तरक्याती स्कीमें दोबारा फाल की जाएंगी।